बात कर लेते हैं बिहार की, जहां दरभंगा में आज वीआईपी यानी विकासशील इंसान पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मंत्री मुकेश सहनी के पिता की निर्मम तरीके से हत्या के बाद भड़कंप मचा हुआ है, लेकिन अभी तक इस बात का कोई सुराग नहीं मिला कि आखिर यह हत्या किसने की और क्यों की। अभी तक पुलिस के हाथ इस मामले में खाली हैं, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस की टीम जांच में जुटी हुई है, लेकिन ना तो कोई पकड़ा गया है और ना ही किसी का नाम अब तक सामने आया है। तो आपको ये जानकारी दे दें, दरभंगा में मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की हत्या कर दी गई, बेरहमी से हत्या हुई है उनकी, लेकिन अब तक इस मामले में कोई खुलासा नहीं हो पाया है। ये वारदात मुकेश सहनी के पैतृक घर में हुई। बदमाशों ने उनके पिता पर धारदार हथियार से हमला कर उनकी जान ले ली। घर में उनका क्षत विक्षत शव मिला। घटनास्थल पर पहुंचे वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने बताया कि शुरुआती तौर पर ऐसा लग रहा है कि चोरी के इरादे से हमलावर घर में घुसे थे और विरोध करने पर उनकी हत्या कर दी गई, लेकिन अभी तक ये सिर्फ शुरुआती जांच के आधार पर एक अनुमान भर है। असल वजह क्या है इसे पता लगाने के लिए एसआईटी का गठन कर दिया गया है, जो लगातार मामले की जांच में जुटी है। लेकिन इस हत्याकांड के बाद से एक बार फिर बिहार में लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़े हो गए हैं। इस मामले में सियासत गर्मा गई है कि आखिर ये हत्या किसने की, इसके पीछे की वजह क्या थी। ये तमाम फिलहाल एक सवाल बने हुए हैं। मुकेश सहनी के पिता के मर्डर से जुड़ी हुई इस वक्त की ये बड़ी खबर। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, पुलिस के बड़े अधिकारी मुकेश सहनी के गांव पहुंचे हैं और मिथिला रेंज के डीआईजी बाबूराम, जिन्होंने बड़ा दावा किया है, उन्होंने कहा है कि शाम तक पूरे हत्याकांड का खुलासा हो जाएगा। पुलिस चोरी के अलावा दूसरे एंगल से भी इस मामले की तफ्तीश कर रही है। मिथिला रेंज के डीआईजी बाबूराम का ये बड़ा दावा। मामले की गंभीरता को देखते हुए खुद डीआईजी बाबूराम जी को स्पॉट पे आना पड़ा। स्पॉट पे आकर के काफी गहन उन्होंने जांच की। उनके साथ में दरभंगा के एसएसपी गगुनाथ रेड्डी साहब भी हैं। डीआईजी साहब ने काफी जांच करने के बाद अंदर में क्या क्या निष्कर्ष निकला, डीआईजी साहब से बात करते हैं हम लोग। सर ये बताइए कि क्या क्या निष्कर्ष निकला, किन बिंदुओं पे आपने कार्रवाई की। यहाँ पर एसएसपी टीम भी आई हुई है, वो जांच कर रही है। डॉग स्क्वाड की टीम भी पहुंची हुई है और तमाम वरीय पदाधिकारी यहाँ सुबह से पहुंच के जांच कर रहे हैं। हम लोगों ने भी देखा है, एक छोटी छोटी जानकारी हम लोगों ने देखा है, कई महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिली हैं हम लोगों को। घर की एक जो अलमीरा टाइप है लकड़ी की छोटी सी, वो बाहर फेंकी हुई मिली थी, हमने जो कागजात रखे हुए। इसके अलावा एक तीन खाली गिलास मिले हैं टेबल पर, और कुछ जानकारियाँ हम लोगों को अपने गुप्तचरों के माध्यम से मिली हैं। हम मामले को विभेदन के काफ़ी नज़दीक हैं, उम्मीद है कि आज शाम तक मामले को निर्धारण हो जाएगा। सर क्या लगता है मामला जो प्रथम दृष्टया जो आपने देखा है उसमें चोरी का था या फिर कोई दुश्मनी थी या क्या, किस तरह का मामला आपको लगा जिस तरह से विभत्त तरीके से उनको मारा गया, काम किया गया? जो पीछे सामान फेंका मिला है उससे ऐसा लगता है कि ये चोरी का भी मामला हो सकता है, लेकिन हम लोग जो दूसरे सवाल मिले हैं तो कुछ और संकेत करते हैं। वो सभी पहलुओं पर पुलिस जाँच कर रही है। सर कितना हाई प्रोफाइल मामला है जिसके कारण पूरे प्रशासन को यहाँ पे आना पड़ा, प्रशासन कितनी अलर्ट मोड में आ गई? देखिए मामला तो महत्वपूर्ण है, हाई प्रोफाइल भी है और इसीलिए इसको प्राथमिकता पे लगकर हम लोगों ने अनुसंधान शुरू कर रहे हैं और बहुत जल्दी इसको अध्ययन करके अपराधियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। किस तरह से टीम निर्धारित की गई है, किस तरह से जवाब दिए गए हैं सबको? एसआईटी का टीम गठन किया गया है एसपी ग्रामीण के नेतृत्व में, इसमें दो अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को रखा गया है, तीन एसएचओ को रखा गया है, इसके अलावा अन्य पदाधिकारी हैं। सब लोगों को अपने अपने पार्ट पे ड्यूटी पे लगाया गया है, अपने अपने जिलों पे सब लोग काम कर रहे हैं, इसलिए हम लोगों को उम्मीद है कि जल्दी ही मामले को निर्धारित हो जाएगा। तो पूरी बात की विस्तृत जानकारी आप लोग कब देंगे और विवरण कब तक कर पाएंगे? उम्मीद है कि आज शाम तक मामले को निर्धारित कर आप लोगों को विस्तृत जानकारी दी जाएगी। और इस खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दरभंगा से शशांक कुमार सीधा जुड़ गए हैं। सबसे पहले उनसे बातचीत करते हैं। शशांक, पूर्व मंत्री के पिता की हत्या, मतलब बिहार में कानून व्यवस्था का क्या हाल है, इसी से समझा जा सकता है। सबसे पहले मैं चाहूंगी आप इस मामले में अभी तक का अपडेट क्या है वो दीजिए। देखिए जिन लोगों ने हत्या की है वो अभी भी फरार हैं, पुलिस की टीम उनको पकड़ने के लिए छापेमारी कर रही है, एसआईटी का गठन किया गया है, देहात एसपी के नेतृत्व में जांच चल रही है। और आपको बता दें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने डीजीपी आरएस भट्टी से बात की है पूरे मामले पर और दोषियों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने को कहा है। सीएम नीतीश ने मुकेश सहनी से भी जो है बात की है। एफएसएल और डॉग स्क्वाड की टीम जो है घटनास्थल पर पहुंची हुई है। आपको बता दें जिस तरह से हत्या हुई है इससे लॉ एंड ऑर्डर पर लगातार सवाल उठ रहे हैं, गृह विभाग नीतीश कुमार के पास से विपक्ष घेर रहा है। और आपको बता दें ये घटना जब हुई तो उस समय मुकेश सहनी के पिता घर में अकेले थे और सो रहे थे और
पुलिस को प्रथम दृष्टिया ये लग रहा है कि चोरी का विरोध करने पर जो है ये हत्या की गई है। वैसे पुलिस और भी अलग अलग एंगल से जांच कर रही है। मुकेश सहनी मुंबई से चल चुके हैं और दरभंगा जो है कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं, उसके बाद सीधा बिरौल जाएंगे जहां पर यह घटना हुई है। उनका ये पैतृक आवास है। पिता अकेले रहते थे घर पे, माँ का निधन हो चुका है मुकेश सहनी के 8 वर्ष पहले। मुकेश सहनी और उनके भाई बाहर रहते हैं और बहन भी जो है वो मुंबई में रहती है। लेकिन जिस तरह से घटना हुई है, इससे ये जो सुशासन की सरकार है उस पर लगातार जो है सवाल उठ रहे हैं। आपको बता दें, आए दिन बिहार में बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही हैं। पिछले ही साल पुलिस वालों की भी हत्या हुई है, तो लॉ एंड ऑर्डर कब दुरुस्त होगा, ये एक बड़ा सवाल है। पूर्व मंत्री के यहाँ पिता सुरक्षित नहीं रहे, उनकी हत्या कर दी गई। आम आदमी तो घर से निकलने में भी डर रहा है। ठीक है, आप शशांक इस पर नजर रखिएगा। मैं आपसे आगे भी कुछ और जरूरी सवाल हैं, वो हम जानने की कोशिश करेंगे। तो क्योंकि कानून व्यवस्था पर एक बड़ा प्रश्न फिर से बिहार की उठ गया है, और देखिए मुकेश सहनी के पिता की हत्या के बाद लगातार नीतीश सरकार विरोधियों के निशाने पर आ गई है। आरजेडी के प्रवक्ता मनोज झा, जिनका कहना है कि नीतीश कुमार को अब कह देना चाहिए कि हमसे नहीं हो पा रहा है। बिहार में हर दिन अपराध की घटनाएं बढ़ रही हैं और अपराधी बेलगाम हो गए। बिहार से आज सुबह खबर आती है, मुकेश सहनी जी जो हैं, उनके पिता की उनके घर में ही किसी धारदार चीज से हत्या कर दी गई। सवाल खड़े हो रहे हैं बिहार की लॉ एंड ऑर्डर पर, किस तरह से ये सब चीजें हो रही। एक बात मैं कहूँ मुकेश भाई, सबसे पहले तो उनको कि ईश्वर संबल दे, हम बहुत क्लोजली काम करते हैं, हमारे नेता भी आहत हैं जब से खबर ये सुनी है। लेकिन ये पूरा का पूरा मामला एक निर्मम हत्या, ये बिहार सरकार को एक प्रमाण पत्र है, और ये पहला प्रमाण पत्र नहीं है। लगातार बीते महीनों में ये प्रमाण पत्र मिल रहा है, कभी बैंक लूट, कभी बच्चियों के साथ दुष्कर्म, कभी लोगों की मौत। कोई ज़िला ऐसा नहीं है जहां से ये खबर आ नहीं आ रही हो। तो मैं समझता हूं कि बिहार की सरकार में जो दोनों हैं, जेडीयू नीतीश जी की और बीजेपी, उनके हाथ में सरकार रही नहीं, और जिनके हाथ में है उनको सरोकार से मतलब नहीं। तो मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा कि ना सिर्फ त्वरित कार्रवाई हो, बल्कि बिहार की सरकार एक्नॉलेज करे हम असफल हुए हैं, और उनको ये कहना चाहिए माननीय मुख्यमंत्री जी को कि हमसे नहीं हो पा रहा, आई क्विट। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो आपने सुना किस तरह से बिहार में मुकेश सहनी के पिता की हत्या पर मनोज झा जी ने कहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री को सामने आके कह देना चाहिए आई क्विट, इस तरह के शब्द हैं। कैमरा पर्सन अश्विनी के साथ मध्य आईबीपी न्यूज दिल्ली। तो नीतीश और बीजेपी की सरकार विपक्ष के निशाने पर आ गई है, लेकिन बीजेपी इस मामले में कह रही है कि ऐसे मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। बिहार की सरकार अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करती है, तो अब इस पर सियासत भी जोरों पर है। आरोप सरकार पर लग रहा है, जिस पर यह कहा जा रहा है कि इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। बिहार के नेता मुकेश सहनी के पिता की निर्मम हत्या कर दी गई है। घटना अपने आप में कई तरह के सवाल भी खड़े कर रही है। हमारे साथ मौजूद हैं शाहनवाज हुसैन साहब। सर, एक निर्मम हत्या, मुकेश सहनी बिहार के बड़े नेता, उनके पिता की इस तरह से निर्मम हत्या। हम सबको इसका बहुत दुख है कि मुकेश सहनी जी के पिताजी स्वर्गीय जीतन सहनी जी की सुपौल बाजार में जिस तरह हत्या हुई, ये बहुत दुख की बात है। हम सब इस दुख की घड़ी में मुकेश सहनी जी के परिवार के साथ हैं। जो अपराध और अपराधी हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा, पूरी तरह पुलिस जांच कर रही है। बिहार में नीतीश कुमार जी के मुख्यमंत्री रहते कभी भी अपराध और अपराधियों से समझौता उन्होंने नहीं किया। जो इसमें शामिल होंगे उन पर कार्रवाई होगी और सख्त कार्रवाई होगी। लेकिन सबके बीच में विपक्ष की तरफ से यही कहा जा रहा है कि जब नीतीश कुमार जो है आरजेडी के साथ होते थे तो आप लोगों बीजेपी की तरफ से जंगल राज की बात कही जाती थी, अब जबकि बीजेपी के साथ में सरकार में फिर भी इस तरीके की घटनाएं, ये किस तरीके के कानून व्यवस्था? नहीं देखिए, आरजेडी के नेता और विपक्षी नेता को कम से कम इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। ये कोई राजनीतिक द्वेष का सवाल आज नहीं है। सवाल ये है कि मुकेश सहनी जी के पिताजी की हत्या हुई है और इस पर भी राजद के नेता राजनीतिक रोटी सेकने में लग गए। अरे, हम सब उस दुख में शामिल हैं। जितना दुख उनको हुआ है, हमारे साथ वो मंत्री थे, हमारे भी अच्छे संबंध हैं उनसे, हमें भी दुख हो रहा है। ये नहीं कि वो गठबंधन में उनके हैं इसलिए उनको ज़्यादा दुख हो रहा है। तो इस पर राजनीतिक बयानबाजी बंद करनी चाहिए। कुछ नेताओं की आदत होती है कि वो बहाना मिलना चाहिए उनको। अब कम से कम एक राजनेता हैं मुकेश सहनी जी, उनके पिताजी की हत्या हुई है,
इसकी हम सबको निंदा करनी चाहिए, न कि इस पर राजनीति करनी चाहिए। तो देखिए, आपने अब इस मामले में राजनीति तो हो रही है, भले ही से कहा जा रहा हो कि इसे राजनीति से ना जोड़ा जाए, लेकिन शशांक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शशांक, ये प्रश्न इसलिए भी वाजिब हो जाता है क्योंकि उस सुशासन पर फिर एक बार सवाल इसलिए भी खड़ा हो गया है कि जब वीवीआईपी लोगों की हत्या हो सकती है, जब इस तरह जो पूर्व मंत्री रह चुके हों, सरकार में मंत्री रह चुके हों, अगर उन्हीं के परिवार सुरक्षित नहीं है तो फिर बाकी आमजन की बात बिहार में क्या की जाए? देखिए, वही मैंने आपसे बताया कि स्थिति ये हो गई है कि आम लोग घर से निकलने में डर रहे हैं। पिछले साल 3 पुलिस वालों की हत्या हुई थी, किसी को बालू माफिया ने ट्रैक्टर से कुचल दिया, तो किसी को बैंक लूटने आए अपराधियों ने गोली मार दी एक कांस्टेबल को। तो लगातार बिहार में पिछले एक साल से कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमराई हुई है। ज़रूरत यह है कि बिहार सरकार एक ठोस कानून बनाए ताकि अपराधियों में डर हो। देखिए, आज जिन लोगों ने घटना को अंजाम दिया वो अभी भी फरार हैं, कहाँ चले गए, संख्या कितनी थी, पुलिस अभी ये भी बताने की स्थिति में नहीं है। तो कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर पे लगातार सवाल उठ रहे हैं, लेकिन नीतीश ने डीजीपी से बात कर दोषियों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने को कहा है, और जो डीआईजी हैं उन्होंने कहा है कि शाम तक जो है हम लोगों को सफलता मिलेगी, जो अपराधी हैं वो पकड़े जाएंगे। तो शाम होने का इंतजार हम भी कर रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर किस कारण हत्या हुई, क्या राजनीतिक विवाद है या क्या है? वैसे पुलिस को तो शक है कि चोरी का विरोध करने पर हत्या हुई है, लेकिन क्या कोई और भी कारण है, क्या राजनीतिक कारण है, ये भी देखना होगा। बिल्कुल ठीक है, आप हमारे साथ रहिएगा। हमारे एक और सहयोगी सुभाष भी इस खबर पर नजर बना के रखे हुए हैं और वो हमारे साथ सीधा इस वक्त जुड़ गए हैं। सुभाष, आपके पास ताजा अपडेट क्या है? इस मामले में एसआईटी का गठन भी हो गया है, कहां तक जांच पहुंची और क्या डिटेल्स? और पोस्टमार्टम के लिए लाश भेज दिया गया है। सुबह से लेकर जैसे खबर सुबह 5 बजे बाद फ्लैश हुई कि मुकेश सहनी के पिताजी की विक्रम सहनी की हत्या हुई, सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ एक मकान है जहाँ पे अभी एसएफएल की टीम आई है वहाँ से, मुजफ्फरपुर से। अब तक जांच कर रही है, लोग बाहर बैठे हुए, 6 लोगों की टीम है जो ये जांच में लगी हुई है। लेकिन सुबह से घटनाक्रम बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले यहाँ पे बिरौल के डीएसपी आए, डीएसपी ने जब मामले की गंभीरता देखी तो तुरंत ही दरभंगा के एसएसपी बाबू जगुनाथ रेड्डी साहब आ गए। जगुनाथ रेड्डी ने यहाँ कैंप किया और काम्या मिश्रा को यहाँ पे जो जांच कमेटी बनाई गई उसका हेड बनाया गया और एसआईटी की टीम गठित की गई, कई थाना प्रभारियों को लेकर उसमें गठित की गई। और उसके बाद जो है मामले की गंभीरता जब बिहार में आवाज इसकी गूंजने लगी तो डीआईजी बाबूराम खुद आए, और अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे दरभंगा का डीएम राजीव रोशन भी यहाँ से आके गए हैं। सारे पदाधिकारियों का एक ही कहना है कि हम निष्कर्ष पे पहुंचने वाले हैं, 5 से 6 घंटे में हम बता देंगे कि कौन अभियुक्त है, लेकिन ये नहीं बता पा रहे हैं कि हत्या क्यों की गई, हत्या का कारण क्या था।